हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे एल्बो के ऊपर। कल क्योंकि मैंने डाल रखा था कि आप अपकमिंग वीडियो किस चीज़ के ऊपर डाल सकते देखना चाहते हैं, बैक के ऊपर, लोअर बैक के ऊपर, या शोल्डर के ऊपर, या एल्बो के ऊपर। तो मेरे पास मैसेज आए थे एल्बो के मैक्सिमम यानी 63% एल्बो के थे। तो आज एल्बो के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, गोल्फर और टेनिस एल्बो जो पेन हो जाती है मैक्सिमम थ्रो जहाँ फेंकते हैं उसके अंदर होती है, बेस बॉल के अंदर या जेवलिन के अंदर, या इनके अंदर ये पेन होती है मैक्सिमम। गोल्फ प्लेयर थे यहाँ पर, गोल्फ और एल्बो, टेनिस एल्बो दोनों की बनाऊंगा। तो मिलते हैं जल्दी वीडियो के अंदर। स्टार्ट करने पहले मैं अपना वार्म अप कर लूँ और थोड़ा बहुत वर्कआउट करके देन मैं बनाऊंगा। ओके, सी यू गाइस। These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want going? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your body sell off, set the peace and gloves. Now you got a deal right now. Oh, these brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want going? Why you want act like that? हेलो गाइस, सत श्री अकाल। तो मैंने कल जैसे कि स्टोरी डाली थी कि किस चीज़ के आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो, तो वो नी एल्बो और बैक पेन की थी, लोअर बैक की, राइट। तो उसके अंदर जो मार्किंग होती है परसेंटेज की, वो 63% एल्बो की आई, क्योंकि मुझे लगता है शायद एल्बो की मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई भी हुई है, बट मुझे फिर से बनानी है। जैसे कल मैंने शोल्डर की बनाई है, काफ़ी पसंद की लोगों ने। तो ऐसी वीडियो अगर मैं बनाता हूँ तो यार मैक्सिमम आप आपस में जेवलिन थ्रोअर्स या एथलीट शेयर कर सकते हैं, ताकि आपको उस चीज़ के बारे में पता हो, नॉलेज हो, राइट। तो अभी हम बनाएंगे गोल्फर और टेनिस एल्बो के ऊपर। तो ये गोल्फर एल्बो है, इससे टेनिस एल्बो है। तो ये यहाँ से मसल आता है, जब जेवलिन वालों का मैक्सिमम ये चीज़ पेंस होती है, ये वाली, इन दोनों ज्वाइंट के बीच में भी और लगभग यहाँ। मेरे भी 2007-08 के अंदर बहुत गंदा पेन हो गया था, तो एक छोटी सी माइनर, मतलब बिल्कुल छोटी सी कंक्रीट टाइप की हड्डी निकलवाई, और शायद पीआरपी थेरेपी थी, मुझे उस टाइम इतना पता नहीं था। दिल्ली में संत परमानंद हॉस्पिटल के अंदर, वो आईएसबीटी के पास में, वहाँ से करवाई थी। बहुत बुजुर्ग डॉक्टर थे वहाँ पर। तो खैर, लगभग 20 बार पेन हो चुकी है। तो एक बार वो करवाई थी, उसके बावजूद भी बाद में बहुत पेन हुए। तो मैंने एक्सरसाइज बहुत करी है। आज भी अगर आप न्यू जेवलिन थ्रो रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, जेवलिन पकड़ते हैं और डायरेक्ट ग्राउंड में जाकर थ्रो करनी शुरू कर देते हैं, तो ये मिस्टेक है। आपको पहले अपनी बॉडी को जेवलिन के लायक बनाना है। लाइक मुझे थ्रो करनी है, मेरे बाइसेप्स के अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ट्राइसेप्स के अंदर, शोल्डर के अंदर, एवरी पार्ट के अंदर। लाइक एकिलीज टेंडन बहुत पेन करता है हमारा, ये वाला थ्रो के अंदर नी पेन हो जाते हैं, हिप फ्लेक्सर पेन हो जाता है, लोअर बैक पेन होना या शोल्डर। तो ग्रोइन की इंजरी बहुत आती है, अडक्टर ग्रोइन की, ठीक है। तो मैं इन सब के ऊपर वीडियो लेके आऊँगा। खैर, आज एल्बो की बात करते हैं। ओके, तो स्टार्टिंग कैसे करनी है हमें, मान लो बहुत छोटे हैं आप, तो आप हम स्टार्ट करेंगे इस डंबल से। ओके, ये बहुत मेरा ख्याल ये है 1 kg, तो आप इससे भी लाइट डंबल मिलते हैं उससे कर सकते हैं, या किसी के पास डंबल नहीं है तो एक छोटी बोतल के अंदर पानी भर के वो कर सकता है। ओके, तो हमें अगर ये स्टार्ट करनी है तो हमें लाइक यहाँ पर मैं आके बताता हूँ आपको, इस साइड में अब इधर हो जाए। तो पहले नंबर पे हमें अपना रिस्ट लगभग इसके ऊपर पूरा रखना है, इस चीज़ के ऊपर, ठीक है, कवर, एंड यहाँ से होल्ड करना, इस चीज़ को स्लो डाउन, स्लो आपकी गोल्फर एल्बो टेनिस एल्बो को कवर कर देगी। ओके, स्लोली मूवमेंट स्लोली होगी, लाइक इसेंट्रिक, स्लो डाउन। आप इसेंट्रिक का मतलब है स्लो डाउन जाना है। आप इसको आप किसी और से करवा सकते हैं, लेफ्ट हैंड से खुद कर सकते हैं। देन ये चीज, ये यहां पर इफेक्ट करता है। ओके, पहली एक्सरसाइज, बेसिक एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को आप कई तरीकों से कर सकते हैं। अगर मैं बताऊं तो ये रिस्ट मैंने यहाँ पर रखा और ये स्लो डाउन, वो अपर हैंड थी, ये लोअर हैंड है, इसेंट्रिक
डाउन 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 काउंट कर रहे हैं मूवमेंट 1 2 3 4 5 देन एल्बो सीधी, एल्बो भी यहां से कोई मूवमेंट नहीं होगी, वेट यहां से मूव करेगा। ओके, तो ये एक्सरसाइज नंबर वन। ओके, तो इसी चीज को आप हैवी के साथ स्लो डाउन, अप स्लो डाउन, अप स्लो डाउन, अप स्लो डाउन, अप स्लो डाउन, ठीक है, ये करिए। और इसी चीज को आप पीछे से भी ये कर सकते, बट इसमें एज के ऊपर हमें यहां से पकड़ना है, तब ये स्लो डाउन, अप स्लो डाउन, अप स्लो डाउन, अप 1 2 3 4 5 पांच काउंट कर रहे, देन ये हो गई विद वेट। अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं आप लूप बैंड के साथ भी कर सकते हैं या थेरा बैंड के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना रख लिया, देन सपोर्ट नी की रहेगी 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इतनी ही आराम से आपको करनी है एक्सरसाइजेस, ये नहीं इसका कोई फायदा नहीं होगा, आपके मसल्स कुछ देर के लिए टाइट होंगे देन वो टाइट ही रह जाएंगे। तो हमें स्लो करनी है, जितनी जल्दी जितनी स्लो करेंगे उतनी इफेक्टेबल होगी। ये हो गई, अब इसी के साथ इसको राउंड फिगर कर लेते हैं आप, सॉरी राउंड फिगर कर लेते हैं, ये ऐसे रख लिया देन इसको बार को आप लूप बैंड कैरी कर सकते हैं इस टाइप में और बार को, क्योंकि अच्छा खिंचाव होना चाहिए इसके अंदर। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस साइड से आगे दिखाएं, ये पूरा मुड़ना चाहिए। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ओके, ये बैंड्स के साथ हो गई। बैंड्स के साथ ज्यादा बोलूं तो इफेक्टेबल है, कुछ कुछ हम रॉड के साथ भी करते हैं, बार के साथ भी करते हैं। अगर आपको बार के साथ करनी है तो आप इस टाइप की बार कैरी कर लें, स्नेक टाइप की। ओके, तो यहां प्लेट हाथ को क्लोज, ठीक है, इस टाइप में इधर आकर रखिए, ऐसे हाथ रखिए, देन आपको स्लो डाउन, अब ऐसे नहीं कर रहे, ये गलत है, ऐसे कर रही है एल्बो अंदर, मेरा शोल्डर थोड़ा वीक है इसलिए राइट हैंड कांप रहा है, बट हैंड के फोर हेड के ऊपर आपको लगानी है, ओके, तो ये एक एल्बो की एक्सरसाइज होगी, इससे भी एल्बो आपकी स्ट्रांग होती है, दोनों साइड बोथ साइड वाली एल्बो स्ट्रांग होती है। अब आपको ध्यान ये देना है कि अगर किसी जेवलिन थ्रोर के पेन हो जाता है तो वो एक हफ्ता करते छोड़ते हैं फिर करना शुरू कर देते हैं, एक हफ्ता छोड़ते हैं फिर करना शुरू कर, अगेन एंड अगेन पेन और एंड ऑफ द डे सर्जरी,
तो इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए सर्जरी के अंदर, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें रिहैब स्ट्रेंथनिंग ये सब करें तो उतना ज़्यादा हम जल्दी स्ट्रांग हो जाएंगे, राइट। सेम नेक्स्ट एक्सरसाइज, ऐसे रिस्ट्रक्ट लें, इसको यहाँ से नहीं पकड़ना, इसको यहाँ से पकड़ना ताकि वेट बाहर की साइड आए। फिर चेक कर लेना, ये ऐसे नहीं आता रहेगा, इसको पूरा सपोर्ट देनी है और यहाँ से होल्ड कर लेना, नीचे स्लो डाउन, अप, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, अप, वन टू थ्री फोर फाइव, अप। ओके, ये बेसिक बच्चों के लिए है। अगर सेम आप हैवी जैवलिन थ्रोअर हैं या मैच्योर हैं तो बच्चे इसके साथ भी कर सकते हैं छोटी के साथ। फिर सपोर्ट, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री, वेट इस साइड रहना चाहिए आपके, टेनिस एल्बो के ऊपर आना चाहिए, गोल्फर के ऊपर भी आएगा, यहाँ से खींचेगी। अगर किसी को इस मूवमेंट्स में पेन होता है तो वो ना करे। सेम ये बहुत बड़ी है, 20 किलो की है, ओके, और 20 किलो की रॉड की है सॉरी, ये आप डाउन लेके जानी है, देन आप इस हाथ से आप कर सकते हैं। ओके, अब थ्री फोर फाइव सिक्स, पूरा डाउन, देन आप जान तो है यार, अप, ओके। तो ये कलाकारी है, अब मेरे कपड़े मैं गंदे करूंगा, देखो कहते तो खैर, ये सारी एक्सरसाइजेस करनी है आपको एल्बो के लिए, एल्बो स्ट्रेंथनिंग के लिए, ओके। किसी के पास ये चीजें नहीं है तो वो पानी की बोतल को ले ले, एक लीटर वाली को, ढक्कन की तरफ से पकड़ ले और ऐसे ले, ठीक है, और देन अप। तो आप खुद से इसको हल्का रिलीज भी कर सकते हैं अपने आप से, देखो ये मसल यहां से शुरू होकर यहां जुड़ता है और देन अंडर आर्म्स की तरफ जाता है, यहां से ये दोनों जॉइंट्स के बीच में से यहां, तो ये मैं हाथ रखा है, अब मैं दबाऊंगा और कौन सी फिंगर ज्यादा रिएक्ट करेगी, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूं, आप चेक कर सकते हैं, ओके। तो ज्यादातर ये उंगले दोनों इनको ऐसे होल्ड करके रखें, ज्यादा से ज्यादा हथेली के साथ जोड़ के, देन स्ट्रेच सॉरी इस उंगली को, और इस हाथ को यहां से रिलीज करवाना शुरू कर दे किसी अच्छे पार्टनर से या फिजियो से। ये देखें आप, मैं रिस्ट को नहीं ला रहा हूं, मैं सिर्फ मसल को ला रहा हूं, और ये यहां तक आएगा, ये इसको ऐसे रिलीज करें खुद से, ये चीज ज्यादा से ज्यादा रिलीज करवाए, ये वाला एक अंदर से पकड़ के देखना, ये मसल होगा यहां पर और ये यहां पर जाता है, और इस जॉइंट तक आपको रिलीज करवाना है इसको, बहुत टाइट, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड, इसको अब ये तो होगी इसकी स्ट्रेंथनिंग, इसकी स्ट्रेचिंग क्या हो सकती है, पहले नंबर पे इसको सॉरी लेफ्ट की करता हूं क्योंकि मेरे थोड़ा बोला है, ये यहां रखना है, देन इसे पकड़ा, स्ट्रेच अच्छे से, ये इस लेवल पे लेके जाना, इसको खिलाओ पर रखना ऐसे ही, ओके, ये और सेकंड, ये बिल्कुल सीधा, हाथ सीधा रहेगा, एल पोजीशन, ये नहीं कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कहीं स्ट्रेच नहीं आ रहा, बट ऐसे ये ऊपर लेके दें, ठीक है, ये इसकी स्ट्रेचिंग है एल्बो की। अब ऐसे बैठ सकते हैं, एल्बो सीधी रहेगी, लेकिन आगे फिर पीछे आएंगे, पर
ये नहीं उठना नहीं चाहिए यहाँ से, ये उठना नहीं चाहिए। होल्ड, ये टेनिस एल्बो जिनकी यहाँ से ज़्यादा पेन करती है वो मसल रिलैक्स हो जाएगी, इंपिंगमेंट नहीं होगी। लेफ्ट में मैं करता हूँ, इसमें थोड़ा पेन आ रहा तो पहले तो इसके एल सीधा मैं ऊपर हूँ, अप देखें मैं पूरा सीधा इसके ऊपर हूँ शोल्डर इसके लेवल में। अब धीरे धीरे पीछे जाने की कोशिश करना, पर वहां से उठेगा नहीं। ये फोर आर्म इस साइड वाले मसल ये दिख रहे होंगे आपको, लाइनें सी ये सारे रिलैक्स हो जाएंगे, बाइसेप्स बहुत अच्छा रिलैक्स होगा, किसी की जरूरत नहीं है आपको, बस यहां से पकड़ो खुद और बैठ कर। ये हो गई, ये स्ट्रेचिंग है ओके। इसके अलावा एक एक्सरसाइज और बता देता हूँ, वो एक एक्सरसाइज और है जो अपने काफी इस टेनिस एल्बो को काफी ज्यादा स्ट्रेंथ करती है ओके। लेवल दोनों हाथ शोल्ड मेरे शोल्डर लेवल ओके, देन व्हील अप आगे और पीछे, होल्ड 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो अगर ये आपके किसी ज्यादा पेन नहीं है तो आप किसी पार्टनर को ले लें और उसके इस जगह पर आकर और उसको धीरे धीरे प्रेस करें, जब वो पीछे आए तब उसकी जान लगनी चाहिए, देन बैक अप बैक ठीक है। ये सारी शोल्डर की मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा अगर आप कुछ बंदे ये वाली एक्सरसाइज करते हैं ऐसे आप रखे हमें ये भी ऐसे नहीं करनी, हमें ऐसे रख के तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
मुझे लगता है कि तकरीबन सारी एल्बो की स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेचिंग और फ्लेक्स मोबिलिटी एक्सरसाइज जो मैंने बताई है, मोबिलिटी किस चीज़ को बोलते हैं, इसके रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाना, ओके। तो ये सारी एक्सरसाइज जितनी किस मसल की हैं, किस मसल की है। बट आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये हमें आती क्यों है एल्बो इंजरी ज़्यादातर। अगर आपका शोल्डर फ्लेक्सिबल नहीं है, आपको एल्बो इंजरी आएगी ही आएगी, तो शोल्डर को कैसे फ्लेक्सिबल बनाएं। तो आप सब काफ़ी सारी एक्सरसाइज जो मैंने कल बताई हैं वो करनी है आपको, जैसे ये होल्ड, 1 2 3 4 5, होल्ड 1 2 3 4 5, ये ऐसे नहीं करनी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। इसके अलावा शोल्डर को आप झुला भी सकते हैं, बिल्कुल लूज शोल्डर, देन लेफ्ट साइड राइट साइड राउंड फिगर, बिल्कुल लूज, ऐसे साथ में बॉडी को भी हिलाना, ये हर साइड। तो मेन मोटिव क्या हुआ कि अगर आपका शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी है, शोल्डर में मोबिलिटी अच्छी है, उसके साथ साथ स्ट्रेंथनिंग आप करते हो शोल्डर की, तो एल्बो पेन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो कोशिश करें शोल्डर पे काम करें, फ्रंट पे पैक मसल पे काम करें, बाइसेप्स टेंडन पे काम करें,
फिर आपकी ये चीज़ कम होनी शुरू हो जाएगी। और बिगनर्स सॉरी जो थ्रो मारनी शुरू कर देते हैं आते ही, उनको बोलता हूँ पहले बॉडी को जेवलिन के लाइक बनाओ, ड्रिल्स करो, रनवे फ्लो करो, स्ट्रेंथनिंग करो, एक्सप्लोसिव करो, स्पीड करो, कोऑर्डिनेशन करो, देन जेवलिन। कितनी जल्दी, अब ये चीज़ों के लिए वेट ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है आपको, आपको खाली ध्यान देना इस चीज़ के ऊपर कि वो चीज़ कवर होती है या नहीं। जरूरी नहीं है लो उठाने से आप स्ट्रेंथ हो जाएगी आपके अंदर, बट थ्योरी मत बनाओ कि वेट उठाओगे तब स्ट्रांग बनोगे। ओके, तो एल्बो की सारी हो गई है। वीडियो अच्छी लगे शेयर कर देना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यार मैंने सच्ची सारा वर्कआउट किया थक गया और उसके बाद आपको बता रहा हूँ। कोशिश करना, आप शेयर करो, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, कल मिलता हूँ, कल के लिए बताता हूँ, और आप मेरे को बताना किस चीज़ के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ। ओके, सी यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।